बढ़ते रहो और भूखों मरते रहो, क्या यही आपका शासक सिद्धांत है? स्वदेशी आंदोलन लाखों लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए और नियमित रोजगार के अभाव में भटक रहे लाखों लोगों को काम देने के उद्देश्य से चलाया गया है। मेरे देशवासियों, जो इलाज आपने खोजा है वही एकमात्र इलाज है, उसे दृढ़ता से पकड़े रहिए। What has India to do? भारत को क्या करना चाहिए? अंग्रेजी सरकार को ललकारने वाला ये लेख 1907 में द हिंदुस्तान रिव्यू में छपा और ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जब्त कर लिया गया, लेकिन क्रांतिकारी युवक रामचंद्र के लेखनी का वेग नहीं थमा। उसके विचार आवाज बनकर उभरे और साहित्यिक जगत में क्रांति की मशाल जल उठी। हिंदी अय्यारी और तिलस्म में उलझ चुकी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उजस्वित लेखनी ने भारतवासियों का साक्षात्कार अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास से कराया। वही हिंदी जो कुली, मजदूरों और गवारों की भाषा मानी जाने लगी थी, उच्च वर्ग के लोग जिसे बोलने में शर्मिंदगी का अनुभव करते थे, विश्वविद्यालयों में जा पहुंची और संसार की विकसित और समृद्ध भाषाओं से टक्कर लेने लगी। बालक रामचंद्र का जन्म बस्ती जिले के आगौना नामक एक छोटे से गांव में 4 अक्टूबर सन 1884 शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। 7 माह के अपरिपक्व गर्भ से जन्मे इस शिशु को देखते ही पितामही बोल उठी, काव आय है तू का जियबा, और गांव घर के सभी लोग चिंतामग्न हो उठे। 8 वर्ष की अल्पायु में ही रामचंद्र शुक्ल ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को राठ तहसील के दियरा तालाब की गोद में भस्मीभूत होते हुए देखा। पिता के क्रोध और दादे की करुणा के बीच मातृप्रेम स्थायी राग तत्व बनकर मन में समा गया। सन 1893 में अंग्रेजी सभ्यता और फारसी तौर तरीकों से सुसज्जित पिता चंद्रबली शुक्ल की नियुक्ति मिर्जापुर में सदर कानूनगो के पद पर हो गई। चंद्रमा का हास और दोपहरिया का नाच देखकर मुक्त होने वाले शुक्ल जी 8 वर्ष की आयु में प्रेमघन जी के संपर्क में आए। अपने निबंध प्रेमघन की छाया स्मृति में वे प्रेमघन जी के विषय में लिखते हैं, भारत हिंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी यह अनुमान करने की बात है। तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंभे पर था। देखते ही देखते वो मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस यही पहली झांकी थी। यह है मिर्जापुर का जुबली स्कूल, जहां साहित्य और दर्शन के प्रेमी हेडमास्टर रामस्वरूप राय ने रामचंद्र शुक्ल की प्रतिभा परख कर उन्हें अपनी निजी पुस्तकें दे देकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लंदन मिशन स्कूल, जहां से रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। कवि आचार्य शुक्ल की बाल स्मृतियों में प्रकृति की चंचलता और प्रकृति पुरुषों की रसिकता छलक छलक उठती है। नगर से दूर कुछ गांव की सी बस्ती एक, हरे भरे खेतों के समीप अति
माता आ चुकी थीं। रामचंद्र का विवाह 12 वर्ष की आयु में सावित्री देवी के साथ संपन्न हुआ। रामचंद्र शुक्ल के जीवन में लेखन और अध्ययन की धारा साथ साथ प्रवाहित हो रही थी। हास्य विनोद, पृथ्वीराज संयोग का स्वयंवर जैसे अप्रकाशित नाटकों के बाद कविता मनोहर छटा 1901 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। उम्र के 18वें पड़ाव में ही प्राचीन भारतवासियों का पहरावा, रानी दुर्गावती, 11 वर्ष का समय कहानी और आनंद कानबनी में भाषा का विस्तार और कविता क्या है के संक्षिप्त रूप छप चुके थे। आर्थिक कष्ट में रहते हुए भी रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी सरकार की दी हुई नायब तहसीलदारी ठुकरा दी। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और प्रेमघन जी द्वारा संचालित आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादन में सहयोग देने लगे। सन 1904 में लंदन मिशन स्कूल में शुक्ल जी ड्राइंग मास्टर नियुक्त हुए। मिर्जापुर में रामचंद्र शुक्ल की मित्र मंडली में पंडित केदारनाथ पाठक, जायसवाल, भगवान दास हालना, बद्रीनाथ गौड़, लक्ष्मी शंकर द्विवेदी, उमा शंकर द्विवेदी आदि साहसी युवक थे और बंग महिला के नाम से विख्यात श्रीमती राजेंद्र बाला घोष जैसी तेजस्विनी साहित्य साधिका भी थी। उनकी अनेक रचनाएं मिर्जापुर के पत्रों में तब तक छप गई थी। वहां के पुस्तकालयों को शुक्ल जी ने अध्ययन का केंद्र बनाया था। मेयो मेमोरियल लाइब्रेरी रामचंद्र शुक्ल को बहुत प्रिय थी। वहां रखी लगभग सभी किताबें वे पढ़ चुके थे। शुक्ल जी ने हिंदी को वाग्देवी न बनाकर उसे आम आदमी की बोलचाल की भाषा बनाने पर हमेशा जोर दिया। साधारण लेखा पढ़ी, अदालती व्यवहार तथा बोलचाल के लिए यदि एक सच्ची सामान्य भाषा हिंदुस्तानी के नाम से ग्रहण कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसी आशा, यदि नहीं तो ऐसी हिंदुस्तानी को दूर से नमस्कार। चित्रकला में निपुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रिय वनवासी राम को स्वयं चित्रित किया था। बीस वर्ष की आयु में शुक्ल जी का मूल लेख हुएनसंग और बसंत एवं शिशिर पथिक कविता सरस्वती में प्रकाशित हुई। १९१० में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी की नीलकंठी साहित्य परंपरा में प्रवेश किया। काशी जहां विष हवि के रूप में आहूत होता है और विष पाई ही कालजयी सिद्ध होता है।
बनारस की गलियों में घूम घूम कर शुक्ल जी ने शब्द संग्रह किए और हिंदी भाषा को ठोस और सुदृढ़ नींव देने वाला अपना शब्दकोश हिंदी शब्द सागर निर्मित हुआ। उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन कार्य भी आरंभ किया। आचार्य शुक्ल प्रकृति प्रेमी थे। वे पशु पक्षियों की बोलियों की सटीक नकल करते थे और उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी करते थे। ये भावात्मक संबंध ही उनके मनोविकार की श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले उत्साह, लज्जा, ग्लानि आदि लेखों और उनमें दी गई क्रोध बैर का आचार या मुरब्बा है जैसी मार्मिक टिप्पणियों की पृष्ठभूमि बना। वो जिस तरह की आदमियों से प्यार करते थे, बच्चों से प्यार करते थे, उसी तरह फूल बेल, फूल पत्ती, जंगल, सब कटीली झाड़ियाँ, ये सब सबको वो प्यार करते थे उसी तरह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश प्रेम और धर्म का पाखंड करने वालों का पर्दाफाश करके जनता को सबसे पहले उन्हें दंडित करने के लिए उत्प्रेरित किया। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाली ओढ़ी थी, ये लोग तो बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। समाज को इनसे हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। रस खान तो किसी की लकुटी और कामरिया पर तीनों पुरों का राज्य तक त्यागने को तैयार थे, पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों पर रीच कर या कम से कम खींच कर बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशों से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। सन 1918 में शुक्ल जी के पिता पंडित चंद्रबलि शुक्ल का देहांत हो गया। वे माता सहित एक बहुत बड़े कुटुंब का भार शुक्ल जी पर आ गया। 1919 में पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक का पदभार ग्रहण किया। शुक्ल जी को व्यक्ति के रूप में नहीं, एक पूरी संस्था के रूप में, बल्कि एक ज्वलंत इतिहास के रूप में लोग देखते थे कैसे उन्होंने हिंदी साहित्य को बनाया है, उसके निर्माणकर्ताओं में थे। मगर सबसे पहले उनके संपर्क में आने का जो प्रश्न है कि जब मैंने एमए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया 1937 में, तो पहले पहल मेरा उनसे संपर्क हुआ और जैसा मैंने उनको पहले दिन देखा कक्षा में आते हुए, ऐसा इतना धीर गंभीर व्यक्ति, इतना संयम, इतना संतुलन, एक एक जैसे एक 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 मुद्रा, एक एक उनके एक्शन क्रिया सब जैसे नपी तुली हूँ। जैसे आज कक्षा में बैठे, पहले चश्मा उतारा, पढ़ने वाला चश्मा लगाया, किताब खोल के फिर दोनों हाथ ऐसे रख लेते थे। पूरे दो वर्ष एमए प्रीवियस एमए फाइनल ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दिन चश्मा पीछे उतारा हो, किताब पहले खोली, जो कम बिल्कुल नपा तोला वही देखने को। तांगे में बैठते थे तो दोनों हाथ ऐसे रख के जैसे कोई स्टैचू मूर्ति बैठी, सब जो शुक्ल जी जा रहे हैं। सन 20 के आसपास जिस आदमी ने विश्व प्रपंच की भूमिका लिखी, उस भूमिका से मालूम होता है कि उन्होंने दर्शन शास्त्र का काफी अध्ययन किया था। वो बहुत गहराई से चीजों का अध्ययन करते थे, काफी पढ़ते थे और जितना काफी पढ़ते थे उसमें कुछ चीजें चुन लेते थे, उनका बहुत गहराई से अध्ययन उन्होंने किया था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था, जो समकालीन यूरोप के विचारक थे जिनमें क्रोचे एक थे, उनका उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था, संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम बहुत लिया जाता था। शुक्ल जी उन आलोचकों में हैं जो वाल्मीकि को कालिदास से ऊपर मानते हैं। भारतीय साहित्य में वाल्मीकि को बार बार सामने लाने का श्रेय शुक्ल जी को है।
आर्थिक अभाव, घर परिवार और लेखन का दायित्व निभाते निभाते शुक्र जी जीर्ण हो चले थे। उनके निर्बल शरीर पर दमा एवं अन्य रोगों का आक्रमण हुआ। हिंदी साहित्य की भाषा शैली, व्याकरण संबंधी नए मानक बनाने और हिंदी साहित्य को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। शुक्ल जी ने विश्वविद्यालय में हिंदी विषय के स्वीकृत होने के बाद पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें उपलब्ध न होने की समस्या को चुनौती के रूप में ग्रहण किया। स्वयं स्तरीय ग्रंथों की रचना की और संपादन कार्य भी किया। रस मीमांसा, चिंतामणि में संग्रहित लेख, जैसी तुलसी पर लिखी गई उनकी महत्वपूर्ण समालोचनाएं, अन्य अनेक ग्रंथ एवं आलोचना के क्षेत्र में मील का पत्थर माने जाने वाली प्रसिद्ध कृति हिंदी साहित्य का इतिहास इसी अकादमिक चुनौती को स्वीकार कर रचे गए। शुक्ल जी पहले आलोचक हैं जिन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ कर देखा है, जिन्होंने देखा है कि ये दरबारों में जो साहित्य रचा जाता था इसका सामाजिक आधार बहुत ही संकुचित था और उसकी उन्होंने बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने भक्ति साहित्य को प्रतिष्ठित किया। भक्ति साहित्य के साथ और कवि भी थे, जैसे कि अमीर खुसरो हैं या विद्यापति हैं या घनानंद हैं, इनको भी उन्होंने प्रतिष्ठित किया। यानी हिंदी साहित्य के माध्यम से जो यहाँ पर लोक जागरण की धारा थी जिसमें भक्ति साहित्य भी शामिल है, उसको शुक्ल जी ने शामिल किया और बताया कि ये तुम्हारा साहित्य जिस पर तुमको गर्व करना चाहिए और जिसका तुम्हें आगे विकास करना चाहिए। कविता और उपन्यास मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह के साधन ही नहीं, समाज की मानसिक और भौतिक स्थितियों के परिवर्तन का हथियार भी है। ऐसे मौलिक मानदंड स्थापित करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पर्यावरण पर पहली कविता लिखी। विश्व बीच नर के विकास हेतु नरताही, विश्व बीच नर के विकास हेतु नरताही, होगी किंतु अलम मानव विचार ले, होगी किंतु अलम मानव विचार ले, कर से कराल काननों को काट कर, कर से कराल काननों को काट कर। सन 1936 में बाबू श्याम सुंदर दास के बाद आचार्य शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और काशी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आवास का निर्माण आरंभ हुआ। इस भवन का नक्शा शुक्ल जी ने स्वयं तैयार किया और मजदूरों के रोजनामचे भी वे बड़े सुचारू रूप से भरा करते थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो बड़े ही शीलवान व्यक्ति थे। हमारे यहाँ जितने प्राध्यापक हमारे हिंदी के रहे उनमें सबसे अधिक शीलवान यदि कोई था तो आचार्य शुक्ल जी थे। वो तो राजा महाराजों से और उद्योगपतियों से बहुत ज्यादा चिढ़ा करते थे।
उसी समय अलवर नरेश का प्रस्ताव भी आया, सचिव के रूप में बुलाया था उनको, लेकिन घर वालों का इतना दबाव पड़ा उनके ऊपर, उनकी पत्नी का दबाव, उनके भाई का, लड़कों का, सबका दबाव पड़ा उनके ऊपर कि जाओ छुट्टी मांगो और आप जाइए, कुछ पैसा, आर्थिक कष्ट तो बहुत था उनको। खैर चले गए, गए बड़े अच्छी तरह से रखते थे, बड़े स्वागत करते थे, बहुत अच्छी तरह से रखते थे अलवर नरेश उनको। एक दिन हुआ क्या कि रात को सोए हुए थे, ठीक 12 बजे रात को फोन पास में रखा था उनके, तो ठेहर शब्द का अर्थ पूछा उन्होंने। खैर फोन उठाया, बतला दिया, अलवर नरेश का फोन था, बतला दिया। लेकिन वो इतने स्वाभिमानी थे शुक्ल जी, उनको, उनके स्वाभिमान को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने सोच लिया कि अब मैं बनारस, सुबह बनारस चला जाऊं, और वो बनारस चले गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को अलवर नरेश ने भेजा एक पत्र लिखकर सुख जी के नाम, तो उनकी धर्मपत्नी ने आकर वो चिट्ठी दिया। उन्होंने सरसरी निगाह से पढ़ा और अपनी धर्मपत्नी के हाथ में एक छोटे से कागज के टुकड़े में सिर्फ 2 लाइन लिखकर अपनी धर्मपत्नी के हाथ दिया। वो लाइन क्या थी, चीथड़े लपेटे चना चावेंगे चौखट चढ़, पर चाकरी न करेंगे ऐसे चौपट चंडाल के। शुक्ल जी में एक अद्भुत बात यह थी कि वो कभी में जो वेल हॉन्टेड, यानी जहाँ बहुत लोग जाते हैं, टांडा फॉल है और विंडम फॉल है, इस समय तो वहाँ भीड़ लगी रहती थी, तो वो उधर उन जगहों पर कभी जाते ही नहीं थे शुक्ल जी हम लोगों को लेकर। तो ऐसी हालत में नई नई जगह पैदा कर लेते थे। शिष्यों की शंकाओं के समाधान से लेकर प्रश्न पत्र तैयार करना और शोध प्रबंधों का परीक्षण जैसे कार्य वे तत्परतापूर्वक करते थे। प्रकृति के प्रति आचार्य शुक्ल की करुणा और अनुराग आजीवन बना रहा। ১৯৩৮ में मिर्जापुर में नारघाट स्थित लाजपत स्मारक साहित्य सदन पुस्तकालय में दिए गए स्वागत भाषण में उन्होंने कहा, यद्यपि मैं काशी में रहता हूं और लोग मुझे बनारसी समझते हैं, तथापि मेरा मन मिर्जापुर में ही रहता है। वो सदा यहीं के पहाड़ों पर घुमा करता है, यहां के एक एक वृक्ष में मैं अपनत्व अनुभव करता हूं। दुनिया मुक्ति के लिए काशी में मरना चाहती है, लेकिन विश्वास कीजिए, मैं सत्य कहता हूं, मेरी कामना है कि आंखों के सामने यहीं का दिव्य भूखंड उपस्थित रहे। हम लोगों को मालूम पड़ा कि शुक्ल जी की तबीयत खराब, तो हम लोग लेने गए स्टेशन, वहां से हाँफते हाँफते हाँफते, यानी इतनी परेशानी में भी, इतने उसमें भी उनका भीतर का जो कवि था वो अंदर से मुखरित रहा करता था मनोरंजनार्थ। कांखते कांखते आ रहे थे, कुछ दिन कैसी तबीयत है, कह दिया कि ठीक ही है, अत्याचार वेदना भारी बढ़ती है तो बढ़े हमारी, मर लेंगे फिर कभी, अभी हड़बड़ी नहीं है। शुक्रवार 31 जनवरी सन 1941 की पूर्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल कक्षा में पढ़ा रहे थे, क्षण भंगुर भव राम राम। बुद्ध देव संसार से कहते हैं, हे नाशवान जगत, तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं ही तेरे हित के लिए तुझे छोड़ दूंगा। कौन जानता था कि वे स्वयं संसार से विदा ले रहे हैं। चलते समय उन्होंने एक बार फिर कहा, आदावर्ष, राम राम।
2 फरवरी सन 1941 बसंत पंचमी का दिन, दमा का तेज दौरा पड़ा और हृदय गति रुक जाने के कारण रात्रि 9:30 बजे 56 वर्ष की आयु में आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिर निंद्रा में लीन हो गए। तुम पड़े हुए थे शांत मौन अपनी आभा में समासीन, तुम पड़े हुए थे शांत मौन अपनी आभा में समासीन, जैसे गौतम का चिर प्रकाश काया छाया में हो विलीन। थे नेत्र बंद आकृत प्रसन्न था महाशांत से पूर्ण गात साहित्य जगत पर वज्रपात। आचार्य शुक्ल की यशय काया उनके साहित्य के रूप में सदैव अजर अमर रहेगी। शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कार्यों की दिशा में अगला कदम आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान काशी में आचार्य शुक्ल आवास के निकट ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान की स्थापना आचार्य शुक्ल के कनिष्ठ पुत्र स्वर्गीय गोकुल चंद शुक्ल द्वारा हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान आचार्य शुक्ल की सजीव स्मृति, जिसके माध्यम से गांव, देश, नगर, प्रांत और पूरे विश्व को समेटती हुई साहित्य निर्झरिणी युगों युगों तक बहेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कालजयी पंक्तियां विश्व मनीषियों का आह्वान करती रहेंगी। वहाँ चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ।